नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। महासंघ ने सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो महासंघ उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। महासंघ ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार से बार बार अनुरोध के बावजूद आज तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और सरकार की न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को शोषित करने के लिए लाई गई है। गौरतलब है कि पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे लेकिन सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों व उपमंडल स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किए गए। उसी के तहत हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन करने के बाद उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कर्मचारियों ने अपना गुब्बार निकाला। महासंघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की और वर्तमान न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारी विरोध करार दिया। महासंघ के सदस्य ने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी के निर्णय लेकर बार बार कर्मचारियों को शोषित करती आ रही है, चाहे न्यू पेंशन स्कीम की बात हो या फिर रिटायरमेंट की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने पैसे व काम से छुट्टी लेकर सालों से इस न्यू पेंशन स्कीम का विरोध कर रहा है लेकिन सरकार कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महासंघ उसी पार्टी का समर्थन करेगा जो उनकी मांग को पूरा करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ शोषित करने वाली सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर जल्द ही आगामी रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन भी कर सकता है जिसके जिम्मेवार केवल सरकार होगी। मैं मई 2003 से नई पेंशन स्कीम के रूप में कर्मचारियों पे एक तानाशाही फरमान थोपा है, उसके ही विरोध आवास में ये सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भी धरने प्रदर्शन हुए, जिला स्तर पर भी इससे पहले धरने प्रदर्शन हुए हैं। पता नहीं कितने असंख्य बार कर्मचारी अपने पैसे फूंक कर, अपने काम को छोड़कर, छुट्टियां लगा के इन धरना प्रदर्शनों में आ रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप कर्मचारियों को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? क्या समझते हैं आप कर्मचारियों को? आपका दिल करता है तो CCS रूल्स में परिवर्तन कर देते हैं, आपका दिल करता है तो रिटायरमेंट की एज कम कर देते हैं, आपका दिल करता है तो एनी टाइम किसी भी कर्मचारी को किसी भी टाइम आप रिटायर कर सकते हैं। आप कर्मचारी को समझते क्या हैं? कर्मचारी संघ ने 2004 में भी धरना प्रदर्शन किया हुआ है, 2009 में हम दिल्ली गए हुए हैं। अगर सरकार नहीं इस मामले को, हमारे मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और हमें आश्वासन ही देती है तो हम कर्मचारी एकजुट होकर जो भी अगली राय होगी उसको लेंगे और फील्ड में उसका मैसेज भेजेंगे। अगर सरकार इस ये जो हमारा एजेंडा है न्यू पेंशन स्कीम को यहाँ से बिल्कुल हटाने का जो एजेंडा है हमारा और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का जो एजेंडा है, जो भी सरकार इसको अपने जो इनका घोषणा पत्र होता है उसमें सम्मिलित करती है तो सारे कर्मचारी एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब कर्मचारियों का ही शोषण होगा तो कर्मचारी शोषित जो है वो शोषण करने वाले का समर्थन क्यों करेगी? महासंघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने आगामी 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ की मांगों पर निर्णय लेने की मांग मुख्यमंत्री से की। उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि 2003 के बाद नियुक्त किसी भी कर्मचारी को जो है वो पुरानी पेंशन सिस्टम जो है लागू नहीं है। और अभी जो हाल ही में कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है सेवानिवृत्ति के बाद वो अति दुखद है। इससे पूर्व में भी संघर्ष चलते रहे, हम लगभग पिछले 5 वर्षों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित हो जाए, क्योंकि जो आने वाली ये जो NPS स्कीम है इसमें मात्र 15 से 20 साल नौकरी करने वाले आदमी को 3 से 4 हज़ार के बीच में पेंशन लग रही है, जो कि आने वाले समय में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी इस 27 तारीख की कैबिनेट है, उसमें इस मामले में कर्मचारियों के हित में ज़रूर फैसला लें।